Hey guys, this is SK Raj and you are watching Tech Buzz. इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ एक कमाल की फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन की मदद से आप DSLR की तरह नहीं DSLR से अच्छे जो है आप फोटो को ब्लूर कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको और भी कमाल के फीचर मिल जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की ट्रिक्स एंड ट्रिक रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको इसको साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए यहाँ पे आपको फेसबुक और गूगल मिल जाते हैं, तो यहाँ से मैं गूगल कर लेता हूँ। और जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपके सामने आपके जितने भी जीमेल है वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो कैमरा है वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप कोई भी फोटो क्लिक करके आप उसको इफेक्ट दे सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मैं गैलरी से दिखाऊंगा। तो गैलरी पे जाने के लिए यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है, इस आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपका जो गैलरी ओपन हो जाएगा और गैलरी ओपन हो जाने के बाद उस फोटो को सिलेक्ट करें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं एक कोई फोटो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉप करना है। तो यहाँ से आप जो क्रॉप कर लीजिए और क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर क्रॉप पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको जो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छे से ब्लूर हो चुका है। तो पहले जो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड जो ब्लूर नहीं था, बट यहाँ पे बैकग्राउंड देख पा रहे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ब्लूर हुआ है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे बहुत ही अच्छे से एकदम DSLR की से भी अच्छा। तो यहाँ से आप जो इसका ब्लूर को भी और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आप और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे और भी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आप ब्लूर के सिवा और भी जो है बहुत सारे इफेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फन का। तो यहाँ से आप जैसे फन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फन का एनिमेटेड जो है बैकग्राउंड आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको आई एम लकी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है फीचर मिल जाते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये ब्लूर वाला ऑप्शन, ये एकदम DSLR से भी अच्छा जो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लूर करता है। तो इस तरह से जो है आप इस एप्लीकेशन की मदद से DSLR से भी अच्छे से आप जो फोटो को बैकग्राउंड को ब्लूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको पसंद आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।